अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम बैक हो गया आपका मेरे चैनल के अंदर, मेरे नए ब्लॉग के अंदर, आज के ब्लॉग को। और आज की सुबह ठंडी सुबह करते हैं शुरू। यार आज सुबह अभी टाइम तकरीबन 1 बजने वाला है, वेट कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही, तो वैसे उठे भी थोड़ा लेट ही है। फैसलाबाद का वेदर आज इतना एक्सट्रीम लेवल का हुआ है कि ठंड, और आपको पता पाकिस्तान है ये, तो पाकिस्तान में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ हमेशा शॉर्ट हो जाती है, वो चीज़ हमेशा जो है वो कम मिलने लग पड़ती है या ब्लैक में मिलने लग पड़ती है। तो जैसा कि सर्दी है, गैस की ज़रूरत है, तो हमारी अच्छी गवर्नमेंट ने गैस भी भेजनी बंद कर दी है, जिसकी वजह से हम लोग नाश्ता करने से बैठे हैं। तो इस हसीन मौसम में सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है और काले बादल, और लग ही नहीं रहा कि दोपहर का टाइम है या सुबह का टाइम है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो लेकिन गाड़ी निकाल रहे हैं और जा रहे हैं नाश्ते पे, तो मैंने कहा लोगों को भी साथ साथ शुरू करते हैं, बाहर तो जा ही रहे हैं तो साथ साथ क्यों ना आपको भी वेदर भी दिखाएं और एक बहुत अच्छा नाश्ता आपके साथ मिलके करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ब्लॉग को एंड तक देखना है, आए जरा आपको बाहर के नज़ारे दे। पाकिस्तान यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जब हम लोग कोई एक दो बंदे नाश्ते के लिए तैयार हों तो माशाल्लाह पूरी फैमिली उसके साथ तैयार हो जाती है। तो सारे में बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर और मुझे फिर वही चोरों की तरह कोने में बिठाया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं, अबू कह रहे हैं, अबू ने ट्राई किया था बूढ़ी चने का कोई नाश्ता, उस नाश्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। अबू जी कैसा है वो? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा शानदार है। चले जाते हैं, अल्लाह जो नसीब भी होगा जरूर मिलेगा। डन। असल में ये जा किसी और वजह से उस साइड पे रहे हैं, आपको मैं वो वजह भी दिखा रुक के जा रहा। नाश्ते वाली जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये आए 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 ये इसको जो इनका स्टाइल होता ना ये फेंकने का, यही सारी गेम है। नाश्ता हम लोगों का आ चुका है, पूरियाँ चने, चने देखने में तो वो वाइब नहीं दे रहे लेकिन फिर भी ज़रा खा के हो सकते ज़्यादा अच्छे लगे। दही डलवाने के लिए कि अबू ने कहा कि जाके दही डलवा के लो। अबू ने भेजा, अबू कहते पूरी चने वाले चनों में दही ना हो तो फायदा, साथ ही जो है वो थोड़ी सी वाइब आने लग गई है। फहीम साहब बिस्मिल्लाह पढ़ो। पहले हम लोगों ने नाने चने खाए हैं, चने तो भाई वाह हैवी हैं। अब चलो इस सही हलवा ट्राई कर लेते हैं। वेदर दिखा फोन करा, वेदर दिखा भाई जान। चने देख रहे थे अच्छे नहीं लग रहे थे, पर खाने का तरीका ये है कि जब मैंने खाया है ना मुझे बहुत अच्छे लगे, आई रियली अप्रिशिएट। नहीं चने मजे के, फिर बोली इंग्लिश अप्रिशिएटेड अप्रिशिएटेड तो नहीं सीन मजे का। वो होता ना कि जो पूड़ियाँ खाने के बाद हाथ बिल्कुल ऑयली हो जाते हैं, उस तरह नहीं है, पूड़ियों में ऑयल बिल्कुल मुनासिब सा है। ये हम लोग बैठे हैं स्वीट पैलेस, ये ईडन वैली और रिवर्सिंग के बाहर उनका ही नाश्ता है, तो नाश्ता ठीक है यार। जैसे जैसे सफ़र गुजर अबू साथ साथ ऑफ रोड की तरफ लेके जा रहे हैं, पता नहीं अबू किधर लेके जाना चाह रहे हैं। जितना एंजॉय किया जाए उतना कम है। वो बुआ की बात ठीक है, लेकिन आप कल तक कोई ऑफ रोड करी जा रहे हैं। तो तकरीबन आधे पौने घंटे का सफ़र करके हम लोग ये पीछे किसी गांव वाली साइड पे आ गए हैं। फहीम साहब भी निकले गए हैं। असल में अबू को यहाँ पे कोई दुकान है, वहाँ से गोश्त बहुत पसंद है, छोटा गोश्त जिसको हम कहते हैं बकरे का, तो वो लेने के लिए मलिक साहब आए हैं। हम लोगों को इधर खड़ा कर दिए क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से ज़रा बनवाना भी होता है। फहीम भी वैसे ही उनकी तरह इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और वो मलिक साहब अंदर जो है वो काम उन्होंने गर्म किया हुआ है। इधर भी बारिश से आप कंडीशन रोड की साइड्स पे देख सकते हैं, ये देखें ऐसी कंडीशन है गाँव की। गैस तो वो जो आने का नाम नहीं ले रही, तो घर वालों ने कहा कि जाके इसको ज़रा करा के फ्रेश निकाल के दिया, इसको फ्रेश करवा के फुल करवा के आओ। अब इसको ले कर चलता हूँ, फिर वक्त तो फहीम का वेट कर रहा हूँ कि वो आए तो फिर जाता हूँ। मैं वापस आया हूँ, मैंने नहाना था, गैस का वेट करते रहे हैं, टाइम आपके सामने ये 3 बजने वाले हो गए हैं।
और यकीन करें बिल्कुल गैस आगे होता ना स्लो स्लो आती, चलो चलती रहती, बिल्कुल भी नहीं आई। फिर ये लगाया तो ये बंद हो गया हुआ था, इसको खोला यहाँ से, खोल के इसके अंदर फिक्स कर रहे हैं। ये हमारे इसके मैं अब क्या कहूँ हालात हैं हमारे यहाँ के कि जी, वैसे यार अगर किसी की कोई मजबूरी हो जाए तो फिर अल्लाह माफ़ करे भाई, जिधर मौका मिला छोड़ के बाहर बंदा निकल जाए, जिधर मौका मिले ना छोड़ो, बाहर किसी मुल्क में चले जाओ, उधर जलील हो गए तो कम अज़ कम ये दुख नहीं होगा कि यार हम ये कह नहीं सकते कि हम जलील हो रहे हैं। बाहर के मुल्कों में अगर जलील हो रहे तो आप बोल सकते हो, और आपको उसका फ़ायदा भी है, यहाँ पे बोली भी जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अब इसके सारू ये पानी रखा है कि इसको गर्म करके तो यहाँ पे लगाना है, बगैर गैस के किस तरह पानी गर्म हो सकता है। हाँ, धो के फ्रेश हो के आके बैठो, आज तो चेरी को भी ठंड लग गई है भाई, चेरी भी जो है ना जो ठंड से पागल हुई फिरती है, ओ जाना इसने कहीं भी नहीं, इसने फिर मेरे पास ही आ जाना। अब आई ना मेरी तेरे से नाराजगी हो गई है, कच्ची गल है तेरी मेरी, मेरी तेरी मेरी कच्ची हो गई। चुप कर बे कुत्ते, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। सारा दिन आज तो घर ही गुजर गया, ना जिम गया हूँ ना बाहर गया हूँ, बस घर ही बैठा रहा हूँ। लेकिन जो कुछ किया है थोड़ा बहुत जो बाहर गया हूँ या जो कुछ भी किया वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ। बाकी यार जो पीछे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे चैलेंज किया था उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि यार डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग ऐसा करें काइंडली उस वीडियो के ऊपर 30 कमेंट्स करें, 30 कमेंट्स तक उसको लेके जाएं, तो वीडियो को शेयर करें, दूसरों को भी कहें इसके ऊपर कमेंट्स वगैरह करें, अपनी अपनी राय दें, ताकि यार कोई एक फ़ैसला हो सके। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी तक जो मैंने वोट दिए हैं मेरे जितने लोग हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि यार नहीं 20 सेकंड्स वाला बड़ा मुश्किल है। व्लॉग में भी कुछ कमेंट्स आए हैं कि जो थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, मैं उसको करने को तो किसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यार मैं बिल्कुल जो है ना वो ईमानदारी से वो करना चाहता हूँ। तो बस यही था, आज सारा दिन इस तरह ही गुजर गया, अभी भी घर ही बैठा हूँ और बाहर जाने का कोई मूड नहीं। बारिश स्टिल अभी तक बाहर हो रही है, सारा दिन हो गया, आज बारिश भी नहीं रुकी। तो मैंने कहा कि यार अब व्लॉग का भी एंड कर देते, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते, रेस्ट ही की है सारा दिन वैसे तो। लेकिन जिम भी ना जाने की वजह ये थी कि यार ये मेरे कुछ ना वो खलियाँ जिनको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ना बिल्कुल भी हालत इस तरह की हुई है कि यार बस लेटने का दिल कर रहा है। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, इंशाल्लाह कल होती है आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।